नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और सितारों के मुताबिक ग्रहों की चाल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं कैसा रहेगा आपका भविष्य सितारों के मुताबिक 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक। और सबसे पहले बात सबसे पहली राशि की, मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल बताएं। मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह बहुत दुर्लभ संजोग बन रहा है आपके लिए। क्या दुर्लभ है? एक तो द्वादश भाव में स्थित शुक्र जहाँ खर्च की अधिकता देगा, भोग विलास के ऊपर आप अधिक से अधिक खर्च करेंगे, वहीं पे एकादश का चंद्रमा मतलब कुंभ राशि का चंद्रमा आपके आय स्रोतों को भी बढ़ाने वाला है। आमदनी भी आपकी बढ़ेगी और खर्च भी आप खूब करेंगे, मतलब आय और व्यय बराबर होने वाला है। लेकिन चूँकि आपके लग्न में ही सूर्य गोचर कर रहा है, जिसके कारण से आप जो भी काम मन में ठानेंगे इस सप्ताह, उस काम को आप पूर्ण करके ही रुकेंगे। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए होगा 2 और शुभ रंग आपके लिए होगा सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करें, मेष राशि वाले पूरे सप्ताह अति प्रसन्न रहने वाले हैं। तो इस सप्ताह मेष राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका सफ़ेद है। ये दोनों चीज़ें अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपका ये सप्ताह और भी बेहतर हो सकता है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। एक बात जो आप ध्यान में रखें कि मैसेज जब करें तो अपने सवाल के साथ अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल क्या कहता है 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक? वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपके दशम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, मतलब कुंभ राशि का चंद्रमा आपके कुंडली में विराजमान है। इसलिए यदि अभी तक आपकी नौकरी नहीं लगी है, बेरोजगारी के शिकार हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, इस सप्ताह आपको नया रोजगार मिलने वाला है। एक बात और, आपके एकादश भाव में शुक्र गोचर कर रहा है जो कि उच्च का है और आपका लग्नाधिपति भी है, इसलिए नए आय के स्रोत भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जहां रोजगार मिलेगा, नए आय के स्रोत बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। हाँ, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहा है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए होगा 1 और शुभ रंग होगा लाल। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो वृषभ राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि आज हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि भूलने की बीमारी या भूलने की परेशानी से आपको कैसे निजात मिले। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं, चीज़ें याद करते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और भूल जाते हैं, तो क्या ये किसी ग्रह का प्रभाव होता है, क्यों ऐसा होता है? ज्योतिष के माध्यम से इसके कुछ समाधान पंडित जी आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि परेशानी किस ग्रह के कमज़ोर होने से होती है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल भी बताएं। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बहुत सुंदर जाने वाला है। उसका कारण है कि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। हालांकि चंद्रमा केतु के साथ जरूर है, लेकिन घबराएं नहीं, यह उतना बुरा नहीं होगा जितना आप समझते हैं। यह आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्योदयकारी समय, यह सप्ताह भाग्य के सहारे सारे काम आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष अनुभूत होंगे आपको। हाँ, किसान भाइयों को एक बात जरूर बताऊं कि चूंकि मिथुन राशि के वर्तमान में जो राशि स्वामी है बुध, वह सूर्य के साथ युत है मेष राशि में, उच्च के सूर्य के साथ बुध की युति है, तो यह वैसे तो ठीक है, लेकिन यह कहीं ना कहीं लाभ को रोकने वाली स्थिति दिखाई देती है। मतलब थोड़ा सा आप रुक करके अपने फसलों का भुगतान लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है आपके लिए पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो
तो मिथुन राशि वालों के लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका पीला है। ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सप्ताह में थोड़ा अंतर सकारात्मक जरूर देखने को मिलेगा। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल जानना चाहते हैं तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उस सवाल का जवाब आपको देंगे। आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर मैसेज के जरिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सवाल के साथ आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक? कर्क राशि के दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह इनके लिए मिला जुला रहने वाला है। एक तो लग्नेश चंद्रमा अपने राशि से अष्टम में गया हुआ है, जिसके कारण से विद्यार्थियों को जहां शोध कार्य में सफलता मिलेगी वहीं पे किसानों के लिए यह समय कतई ठीक नहीं है। उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको अपनी फसलों का ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों को बताऊँ कि यह सप्ताह कुछ खास नहीं देने वाला है। जो आप कर रहे हैं उतना ही मुनाफा मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए मुनाफे की आशा इस सप्ताह आप कतई ना करें। आपके लिए शुभ अंक इस सप्ताह है 8 और शुभ रंग है आपके लिए नीला। दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपका नीला है। और एक खास सलाह जो किसानों को है वो ये कि आप अपनी फसलों का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सी कठिनाइयों से भरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि के सितारे कैसे रहेंगे पूरे सप्ताह? सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। अच्छा इस उद्देश्य से है कि उनके सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, तो कहीं न कहीं व्यापार में सफलता देने वाला समय है। किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी की बात है कि जो किसान भाई फसलों का इस समय विक्रय करना चाहते हैं करें, अच्छा मुनाफा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फसलें लाभ देने वाली हैं। खास करके जो नकदी फसलें हैं वो निश्चित रूप से आपको लाभ देंगी इस सप्ताह। हाँ, इस सप्ताह आपको एक विशेष सावधानी रखनी, यदि आपको सिर में दर्द हो, यदि सिरों पीड़ा हो तो थोड़ा सा आप जो है हनुमान जी की पूजा कर लें, हनुमान जी की उपासना कर लें, तो उससे आप देखेंगे कि शिरोवेदना में अन्य शारीरिक कष्टों में भी आपको लाभ दिखाई देगा तथा बहुत अधिक दवा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 7 और शुभ रंग है सफ़ेद। तो सिंह राशि वाले इस सप्ताह सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, आपका लकी नंबर 7 है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा अंतर सकारात्मक आप अपने इस सप्ताह में जरूर पाएंगे। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि किस ग्रह के कमजोर होने की वजह से आपको होती है भूलने की परेशानी, क्यों भूल जाते हैं जो भी पढ़ते हैं या याद करते हैं, किस ग्रह का प्रभाव होता है ये सब कुछ बताएंगे, कैसे से मजबूत किया जा सकता है ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों की चाल के मुताबिक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? कन्या राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि यह सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है, उसके दो कारण हैं। एक तो छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है जो आपको स्वास्थ्य में कठिनाई देगा, मानसिक स्थिति को थोड़ा सा खराब कर सकता है, किसी बात विषय को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं सप्ताह के शुरुआत में। दूसरी बात है, अष्टम भाव में आपके सूर्य गोचर कर रहा है तो आत्मविश्वास की भी कमी कर देगा, शासन प्रशासन से भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा। खास करके हमारे किसान भाई जो बैंकों से उम्मीद लगा के रखे हैं वह इस सप्ताह पूरी नहीं होने वाली है, इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 6 और शुभ रंग आपके लिए है सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि वालों का शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपका सफ़ेद है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि पंडित जी आपके उस सवाल का जवाब ज्योतिष के माध्यम से दें, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपने डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि
तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक? तुला राशि के दर्शकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके दो कारण, एक तो पंचम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लोग तुला राशि के जो अध्ययन के क्षेत्र में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में तरक्की करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, सप्तम भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, इसलिए ऐसे लोग जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है या जो व्यापार में लगे हैं, खास करके हमारे किसान भाई जो अभी तक अपनी फसलों का विक्रय नहीं किए हैं, ऐसे तमाम लोगों की मनोकामना इस सप्ताह पूर्ण होने वाली है। मतलब किसान भाई फसल बेच के पैसा कमाएंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, और व्यापारियों को भी शासन प्रशासन से पूर्ण सहयोग मिलेगा और अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपका लकी कलर वह है पीला और लकी नंबर है आपके लिए 5। इन दोनों चीजों का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तुला राशि वालों का लकी नंबर है 5 और लकी कलर है आपका येलो यानी कि पीला। ये दोनों चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सकारात्मक परिवर्तन आप अपने इस सप्ताह में जरूर पाएंगे। आगे की राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आपको भूलने की शिकायत क्यों होती है। अगर आप में से कोई दर्शक ऐसे हैं जो चीजें याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी ग्रह का प्रभाव हो, किसी ग्रह के कमजोर होने की वजह से आपके साथ ये परेशानी हो रही हो। आइए जानते हैं क्यों होती है ये परेशानी, क्यों भूल जाते हैं आप चीजें अक्सर याद करके। पंडित जी, कुछ लोगों के साथ ये समस्या होती है, खासकर छात्रों में, विद्यार्थियों में देखा जाता है कि चीज़ें याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्या ये किसी ग्रह का प्रभाव होता है, किसी ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से होता है? जी देखिए स्मिता जी, यह सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मानव के साथ ये समस्या सामान्य रूप से देखी जाती है। खास करके हम अपनी ही रखी चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, कहीं हम अपना ही चश्मा अपने सर के ऊपर रख के पूरे घर में ढूंढते हैं कहाँ रखा हुआ है। और तो और, हमारी माताओं बहनों के साथ एक अजीब घटना घटती है, खास करके वो गैस चूल्हे पे दूध रख के चली जाती हैं और भूल जाती हैं दूध उन्होंने रखा है, दूध उनका बह जाता है, ख़राब हो जाता है। ये तमाम समस्याएँ जो है ये चंद्रमा के कारण होती हैं, क्योंकि शास्त्र में चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है ऐसा कहा गया है। तो जब मन कमज़ोर होता है, मन में ही स्मृति होती है, मन में ही यादें रहती हैं, तो इसलिए जब जिनका चंद्रमा खराब होता है उनके साथ ये तमाम घटनाएं जो मैंने बताई हैं वो घटती हैं। इसलिए यदि किसी कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो उसके साथ ये घटनाएँ घट सकती हैं। यदि आपके साथ ये घटनाएँ घट रही हैं जो मैंने बताई हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका चंद्रबल कमज़ोर है और चंद्रमा को ठीक करने की आवश्यकता है। यानी अगर आपको भूलने की समस्या है, आप चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो। कैसे चंद्रमा को मजबूत करें, क्या उपाय होने चाहिए, क्या मंत्र उसके लिए हो सकता है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि की। पंडित जी, वृश्चिक राशि का राशिफल भी बताएं। वृश्चिक राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपको दो रोग परेशान कर सकते हैं। एक तो जिन लोगों की आयु 60 वर्ष के ऊपर की है, उन लोगों को घुटने के जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द की शिकायत, ये बीमारी आपको होगी, क्योंकि आपके छठे भाव में सूर्य गोचर कर रहा है। उसके साथ चूंकि बुध की युति है, इसलिए थोड़ा सा रक्तचाप की भी शिकायत आपको हो सकती है। तो ये दो रोग, हड्डी के रोग और रक्तचाप की शिकायत, दो रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस सप्ताह के शुरुआत में। हाँ, इतना जरूर है कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, इसलिए परिवार आपकी बड़ी सेवा करने वाला है। आपके बच्चे आपसे बहुत स्नेह करते हैं और आपका पूर्ण सेवा करेंगे, पूर्ण सहयोग करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आप सप्ताह के मध्य में स्वस्थ भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों की। तो वृश्चिक राशि के किसान भाइयों को बताऊं कि आपके कुंडली में इस समय उच्च का शुक्र गोचर कर रहा है, और वह भी कहाँ, पंचम भाव में। इसलिए आपके जो मेहनत है, आपकी जो कर्म है, जो आपने पीछे किए हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलने वाला है। इसलिए आप इस सप्ताह समस्त चिंताओं से, बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 4 और शुभ रंग जो होने वाला है वो है आसमानी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ अंक 4 है, शुभ रंग आपका आसमानी है। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस सप्ताह इस्तेमाल करेंगे तो इस सप्ताह आपका और भी बेहतर साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक?
धनु राशि के दर्शकों को बताऊं कि ऐसे धनु राशि के लोग जो कि अधिवक्ता हैं, न्याय के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा सुफलदायी है। आपको निश्चित रूप से आपके करियर में तरक्की होगी। इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं, आपका बड़ा नाम और यश होने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य व बुध की युति आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली है। हाँ, रही बात चंद्रमा की, वह आपकी कुंडली में इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में, इसलिए थोड़ा सा प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी किया है पूर्व में, उसका समस्त प्रतिफल आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। मतलब लाभ ही लाभ आपको दिखाई देगा, कहीं से किसी प्रकार का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग आपके लिए होने वाला है सुनहरा। तो धनु राशि वालों के लिए शुभ अंक 3 है, शुभ रंग सुनहरा है, 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राशियों के साथ साथ बताएंगे आपको कि भूलने की परेशानी से आपको कैसे निजात मिले, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या मंत्र हो सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि का राशिफल भी बताएं। मकर राशि के दर्शकों को बताऊं कि मकर राशि के लिए यह सप्ताह बहुत उत्तम रहने वाला है। आपकी कोई मनचाही वस्तु आपको इस सप्ताह मिल जाएगी, जिसकी आपकी कामना काफ़ी लंबे दिनों से है, वह वस्तु आपको इस सप्ताह मिलने वाली है। और तो और, इस सप्ताह चूँकि आपके तृतीय भाव में शुक्र गोचर कर रहा है, इसलिए आप अपने धन का खर्च कहीं अपनी इच्छा को पूरी करने में करेंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जिसकी आपको कामना रही हो। हाँ, चंद्रमा भी इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए आपको कोई नया मित्र भी मिल सकता है जो कि आपकी काफ़ी सहायता करने वाला है। अब रही बात किसानों की, तो किसानों को बताऊं कि किसान इस सप्ताह थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। चिंतित किस बात की, कि इन्हें कृषि यंत्रों को लेकर के थोड़ा परेशान रहने की आवश्यकता है, परेशानी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहा है धनु में, इसलिए आपको कृषि यंत्र परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 2 और शुभ रंग आपको होने वाला है इस सप्ताह दुधिया। तो मकर राशि वालों के लिए शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका दूधिया है। किसानों को खास ध्यान ये रखना है कि आपके कृषि यंत्र आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कुंभ और मीन राशि की बात करें उससे पहले बात करते हैं कि भूलने की परेशानी से आपको ज्योतिष के कौन से उपाय निजात दिला सकते हैं। पंडित जी, आपने पिछले अध्याय में बताया, पिछले सेगमेंट में हमें बताया कि भूलने की परेशानी तब होती है जब चंद्रमा कमज़ोर हो, तो चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जाए कि अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सके। देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमारे शास्त्र में 2 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। पहला तो चंद्रमा का कारक होता है हमारे जीवन में हमारी माता, तो अपनी माता को किसी प्रकार से आप प्रसन्न रखिए, उसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, तो चंद्रमा का हर प्रकार से आपको सुफल मिलेगा। एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपको चंद्रमा को ठीक करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान किया करें। ध्यान कैसे करना है, अपने आँखों को बंद करने के पश्चात आप अपनी बाईं आँख के ऊपर पूर्णिमा के पूर्ण चांद को देखते हुए स्मरण करते हुए ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र को नोट कर लें, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 32 मिनट यदि आप नित्य जप करना आरंभ कर दें तो आप देखेंगे कि सप्ताह के अंदर अंदर आपकी स्मरण शक्ति में आमूल चूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको दे के जाएगा। तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि अगर आपको भूलने की परेशानी है, आप चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप क्या मंत्र जप सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। कुंभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। उसके 2 कारण हैं। एक,
तो लग्न में चंद्रमा विराजमान है, तो जहाँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वहीं पे द्वितीय भाव में स्थित उच्च का शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाने वाला है। हाँ, अब रही बात किसानों की, तो किसान भाइयों को बताऊं कि सप्ताह आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है व्यापार में अपनी फसलों, खास करके हमारे ऐसे किसान भाई जो कि फूलों की खेती करते हैं, उसमें भी जो कमल पुष्प की खेती करते हैं या जल में जो खेती की जाती है, ऐसे फसलों को लेकर के आपको नुकसान उठाने की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्तम भाव में सिंह राशि में राहु गोचर कर रहा है। इस सप्ताह आप यदि अपनी फसलों के प्रति थोड़ा सजग रहते हैं तो आपको नुकसान कम से कम उठाना पड़ेगा। रही बात इस सप्ताह शुभ अंक की, तो शुभ अंक आपके लिए है एक और शुभ रंग आपके लिए होने वाला है गुलाबी। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अंक एक है, शुभ रंग आपका गुलाबी है। दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सप्ताह में जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो थोड़ी कम ज़रूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, जिसका इंतज़ार सबसे लंबा होता है। पंडित जी, मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस पूरे सप्ताह? मीन राशि के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। मिलाजुला क्यों? क्योंकि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा, तो खूब खर्च करना पड़ेगा। पैसों की आवक तो रहेगी लेकिन एक तरफ से जाने की भी स्थिति दिखाई दे रही है। लग्न में स्थित उच्च का शुक्र आपको प्रसन्न रखेगा, मतलब तमाम दिक्कतों के बावजूद भी आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनी रहेगी। सप्ताह पर्यंत आप खूब प्रसन्न रहेंगे, कोई तकलीफ, कोई आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होने वाली है। हमारे किसान भाइयों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति है और यह जो शुक्र और बृहस्पति की परस्पर युति बन रही है, एक दूसरे को दृष्टिगोचर कर रहे हैं, यह आपके पक्ष में जाने वाली ग्रह स्थिति है। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी, मतलब समस्याएं जो भी आए लेकिन आपकी मानसिक स्थिति पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग होने वाला है आपके लिए पीला। इन दोनों चीजों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो मीन राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। ये दोनों चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सप्ताह और भी अच्छा बीतेगा। 12 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा सितारों के मुताबिक पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी, आपको बहुत धन्यवाद। जी, तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ, साथ ही बताएंगे कुछ खास उपाय, कुछ खास मंत्र, कुछ खास परेशानियों के लिए, ग्रहों के मुताबिक क्यों होती हैं वो परेशानियां, सब कुछ बताएंगे, साथ ही होंगे कुछ अचूक मंत्र भी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। नमस्ते।